सो हाय गाइस, एक छोटी सी अपडेट। अभी जो इंडिया वर्सेस तहती का मैच होने वाला था, अभी भी चालू है, खत्म नहीं हुआ है। कुछ इंडिया ने 4 गेम विन कर लिए और मतलब वन साइड मैच चल रहा है और टीवी पे ब्रॉडकास्ट हो नहीं रहा है। और मैं इतना कुछ बोलूंगा भी नहीं स्टार स्पोर्ट वालों को, बिकॉज बहुत टट्टी मैच चल रहा है। तहती मतलब नो ऑफेंस टू तहती यार, छोटा देश है, मतलब क्या ही कहो, अब क्या ही बोलो, लिटरली कुछ मैच में देखने लायक नहीं है। तो उसके बदले उन्होंने चाइना और डेनमार्क का उन्होंने मैच दिखाया है, वो उल्टा अच्छा चल रहा है। तो मेरे ख्याल से मैं इतना कुछ स्टार स्पोर्ट को कहूंगा नहीं। और ऑफकोर्स यार, मैं ज़्यादा आपको इन डेप्थ इसके मैचेस के बारे में नहीं बताऊंगा, बिकॉज स्कोर लाइन आप देखोगे तो आप खुद हंस पड़ोगे यार। 21-4, 21-2, 21-12, 21-12, 21-8, 21-7, ऐसे स्कोर लाइन है। अभी चौथा सेट, चौथा मैच गेम है, चौथा मैच है, वो भी हम विन कर चुके हैं जितना मैंने देखा था अब तक। अब जो पांचवा मैच है अभी हो जाएगा, तो यही कुछ है यार। और दो चेंजेस थे इंडियन टीम में, ऑफ कोर्स जो हमारे क्या कहते हैं, क्या नाम उनका याद नहीं आ रहा है, श्रीकांत कादम भी है, उनको रेस्ट दिया गया, उनकी जगह आए किरण जॉर्ज। और एक जो हमारे MR अर्जुन और जो ध्रुव कपिला का पैर है, उनको भी रेस्ट दिया गया उनकी जगह, और एक हमारे डबल्स के प्लेयर आया है। अभी उनका, अभी इसके बाद का जो फिफ्थ मैच है अभी उनका ही होगा, देखते कैसा खेलते हैं। वो स्कोर लाइन जो भी होगी, अगर एडिट करते समय उनका मैच हो गया तो आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, वरना जो मैंने ऐप बोला है बैडमिंटन 360, वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। तो बस यार, यही था आज के मैच के बारे में लिटरली यार। मतलब मुझे, इसके ऊपर मुझे कुछ कहना है, थोड़ी सी एक बात कहनी है, वो मैं कल के वीडियो में बताऊंगा। और हाँ, आज हमारा कल की नहीं, मतलब आज आपको शाम को वीडियो देखने मिलेगी 5-6 बजे, तो वो वाले वीडियो में बताऊंगा, मुझे बात कहनी है आपको। और आज हमारा सुबह दोपहर को 12 बजे थाईलैंड के मेरे साथ वुमेंस का उबर कप का मैच होने वाला है, तो वो आप देखना मत भूलना यार। स्टार स्पोर्ट्स 3 पे वो दिखाएंगे, ऑफकोर्स दिखाएंगे यार, बिकॉज इंडिया थाईलैंड दो स्ट्रांग टीम है वो वाले ग्रुप की, तो जरूर दिखाएंगे वो मैच, देखने आपको मजा आएगा। देखते हैं, बिकॉज अभी जो इंडियन वुमेंस टीम का परफॉर्मेंस रहा है, जो यंगस्टर्स का परफॉर्मेंस रहा है, वो बहुत अच्छा रहा है। देखते हो थाईलैंड को कितना कॉम्पिटिशन देते हैं, जितना मुश्किल होगा, पर देखते क्या होता है यार। तो बस यार, अभी इतना रखते हैं आज के वीडियो के लिए, बिकॉज अभी मुझे नींद आ रही है और मैं भी सोने जा रहा हूँ। आपको मिलता हूँ मैं कल शाम को 6 बजे, जो भी इंडिया का, इंडिया और थाईलैंड के बीच में जो टाई होगा, उसके बारे में एक पॉजिटिव नोट के साथ वीडियो बनाऊँ। होप करते हैं कि इंडिया वो मैच जीते, अगर जीत जाएगी तो इंडिया को जो, मतलब अगर समझो वो मैच जीत जाएगी तो इंडिया ग्रुप में टॉप पे फिनिश करेगी। फिर हमें जो फिर क्वार्टर फाइनल में हमें जो सामने वाले ग्रुप में जो सेकंड नंबर पे फिनिश करेगा उनके साथ मैच खेलने को मिलेगा। तो शायद से ये ईजी तो नहीं होगा, बट हाँ यार, एक आउटसाइड चांस हो सकता है सेमीफाइनल में पहुंचने का। तो देखते क्या होता है। तो बस यार, इतना रहता है वीडियो के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। तब तक के लिए पीस आउट।